ओहो, तुम तो मजाक ही मजाक में बुरा मान जाती हो, यही तो तुम्हें बुरी आदत है। सुनीता, कमाल करती हो तुम, जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने। अरे भाई, आदमी रेस्टोरेंट जाता है और कोई सामने आकर बैठ जाए तो उससे बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम तो बिगड़ती हो तो बस। आज से 43 साल पहले साल 1980 में एक फिल्म आई थी शान। दोस्तों, शान मूवी में जो विलन था साकाल, भाई जवाब नहीं था। जो क्रिएटिविटी था उन लोग की, जो भी फिल्म को मेकिंग करने के टाइम पे उस टाइम पे रहे होंगे, लेकिन वो विलन का क्रेडिट, जो मेकिंग क्रेडिट जाता है, वो तो सलीम जावेद सर को बहुत लोग देते हैं। वैसे आप इंटरव्यूज वगैरह भी देखेंगे, जैसे कि मुगेम्बो, आप लोग को एक याद होगा विलन दोस्तों, वो भी सलीम जावेद ने वो स्क्रिप्ट और वो स्टोरी लिखे थे। उसके बाद गब्बर सिंह तो आपको पता ही होगा, उसके बाद शाकाल, और भी बहुत सारे उन्होंने विलन एकदम जो ऐसे आइकॉनिक विलन हम लोग के सामने मतलब स्क्रीन पे दिखाया गया है। और आज भी भाई हीरो भूल सकते हैं लेकिन विलन नहीं भूल सकते हम लोग, इतनी गजब की वो क्रिएटिविटी थी उस टाइम पे। तो वो गाने का दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे सीन रिकॉर्ड किया गया है, कुछ रोड का रिकॉर्ड किया गया है, तो आपको मैं स्क्रीन शॉट के साथ सारे सीन दिखाऊँगा। दोस्तों, शान मूवी में एक गाना है, जानू मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, तू मेरी मैं तेरा जाने सारा हिंदुस्तान। वो गाने का दोस्तों सीन इस गार्डन पे रिकॉर्ड किया गया है, जब शशि कपूर बिंदिया गोस्वामी को मनाते हैं और अमिताभ बच्चन जी परवीन वाबी जी को मनाते हैं। दोस्तों, ये हैंगिंग गार्डन के अंदर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति वाले एरिया है। चाहे कपल्स आए, चाहे सीनियर सिटीजन आए, चाहे बच्चे आए, सब के लिए गार्डन है। और मैं क्या बताऊँ, जानू मेरी जान गाने का जो पहला सीन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी जी रहते हैं, जो बिंदिया गोस्वामी जी नाराज़ हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी इधर से आती है बिंदिया जी। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो कि ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं, आपको नीचे से ये दीवार दिखाई दे रहा है, ये ग्रिल जो है अभी दोस्तों उस टाइम पे नहीं था, 43 साल पहले अभी है। यहाँ से शशि कपूर और बिंदिया जी ऐसे चलते हुए आते हैं, जो कि बिंदिया जी नाराज रहती है। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। इधर से आने के बाद यहाँ से बिंदिया जी इधर निकलते, जो कि आपको बैकग्राउंड पे यहाँ पे बिजली का जो खंभा दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन शॉट में दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे थोड़ा जंगल दिखाई दे रहा होगा, और उस साइड पे आप लोग को दीवार भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जब परवीन बॉबी जी को अमिताभ बच्चन मनाते हैं, तो वो परवीन बॉबी जी और अमिताभ बच्चन इस रास्ते से आते हैं, आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। और अभी तो बारिश की वजह से इधर जंगल ज़्यादा हो गया, घास ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लावर बना हुआ था ना, सीमेंट का एक फूल टाइप का, वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अमिताभ बच्चन और परवीन जो बॉबी जी आते हैं, स्क्रीन शॉट से आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में इधर ये गार्डन थोड़ा सा गोल सा है, गार्डन के अंदर ये छोटा सा गार्डन है, तो इस हिसाब से चलते हुए आते हैं अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी जी। और उसके बाद दूसरे सीन में बिंदिया जी भी नाराज रहते हैं, तो शशि कपूर सर मनाते रहते हैं, तो जो कि वो लोग इस हिसाब से आते हैं। आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं, कैमरा एंगल कुछ शायद डाउन टाइप का रहा होगा, जो कि आसपास में आप लोग को ये गार्डन टाइप का दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोनों जन, एक जन इधर से आते हैं और एक टीम इधर से आती है। दोनों टीम आने के बाद कुछ और सीन लॉन्ग हो जाता है और कैमरा एंगल बहुत ऊपर हो जाता है दोस्तों, जिसमें आप लोग को स्क्रीन शॉट में आप लोग को ऐसे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस हिसाब से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन शॉट में। आप देख सकते हैं ये जो आपको डब्बा रखा हुआ दिखाई दे रहा है कचरे का, वहाँ पर शशि कपूर और बिंदिया जी रहते हैं, और इस साइड पे परवीन बॉबी जी और अमिताभ बच्चन रहते हैं। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, कैमरा एंगल काफ़ी ऊपर से रहता है दोस्तों। और आपको ये गार्डन पे जो आपको एक फ्लावर फूल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, सीमेंट का पैटर्न ऐसे ऐसे करके, अभी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये ना घास बहुत ज़्यादा हो गया, मैं नज़दीक पे आपको वो भी चल के दिखा दूंगा। तो आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं, यहाँ पे वो दोनों जन सॉरी बोलते हैं, और फिर परवीन जी कहते हैं इसको बिंदिया जी को कि कुछ यहाँ पे घुटन सी महसूस होती है, तो कि वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो कि आप स्क्रीन शॉट से कैमरा एंगल कुछ और दूर से रहा होगा दोस्तों, क्योंकि कैमरा ऊपर से रहता है, तो आपको इस साइड का भी वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये रास्ता जो पब्लिक इधर जा रही है, और ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो आपको थोड़ा सा ये नमकीन कट है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस एंगल से कैमरा एंगल रहता है उन लोग का, ऊपर से रहता तो दोस्तों मेरा कैमरा तो मैं भी आपको परफेक्ट दिखा देता। ये मेन गेट है, यहाँ से नीचे उतर सकते, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा PM और क्यों, क्योंकि मैं आपको नीचे से सीन दिखाऊंगा।
दोस्तों उसके बाद परवीन बॉबी जी और बिंदिया जी इस हिसाब से ये सीढ़ी जो दिखाई दे रहा है इधर से वो लोग नीचे आते हैं और अमिताभ जी और शशि कपूर जी वो नीचे से मतलब पीछे से वो लोग भागते हुए आते हैं उनको मनाने के लिए। तो आप स्क्रीन शॉट से ये सीन मैच कर सकते हैं दोस्तों। उस टाइम पे आपको ये जो छोटा सा मतलब जो वॉचमैन है उनका रखा हुआ है घर बना हुआ है वो नहीं था उस टाइम पे। आप लोग को बैकग्राउंड पे वो सीढ़ी दिखाई दे रहा होगा, ये सीढ़ी दिखाई दे रहा होगा और पीछे आप लोग को वो बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। इस हिसाब से वो दोनों हीरोइन आते हैं और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक बस रहती है जो कि वो दोनों बस पे चढ़ जाते हैं और बस के अंदर से भी आपको ये गेट का सीन दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में यहाँ पे जब बस खड़ी रहती है उसी टाइम पे वो लोग बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी दोनों जन भागते हुए आते हैं। तो आप स्क्रीन शॉट से उनका भी सीन मैच कर सकते हैं, कुछ इस हिसाब से उनका सीन रहता है। उसके बाद वो दोनों जन दोस्तों यहाँ पे एक कार खड़ी थी मैंने रिक्वेस्ट करके गेट के अंदर डलवा दिया क्योंकि इधर जगह नहीं था। तो आप स्क्रीन शॉट के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी खड़े रहते और यहाँ से वो बस आगे जाती है जिसमें परवीन बॉबी और बिंदिया जी रहते हैं। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। एक दूसरी भी गाड़ी आ गई यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद बस कुछ इधर जाते हैं और अमिताभ बच्चन और क्या कहते हैं शशि कपूर जी बस के पीछे लटकते रहते हैं जो कि आपको मैं बस तो दिखा नहीं पा रहा, कुछ इस हिसाब से वो सीन रहता है। यहाँ से ऐसे करके बैकग्राउंड पे आप लोग को ये सब दिखाई दे रहा होगा और इधर चले जाते हैं आगे। तो मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ जो भी सीन यहाँ पे था दिखा दिया दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मुझे पता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि शान मूवी का आप लोग को शूटिंग लोकेशन कैसा लगा। और इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा मैं क्योंकि वो भी सीन मुझे मिल गया है, लेकिन आप लोग जिस सीन का उम्मीद रखें मुझसे वो शायद मुझसे अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कहाँ पर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मालूम है दोस्तों। ये कमला नेहरू पार्क है और ये बहुत बड़ा पार्क है, आपको आगे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे